हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लॉग है उसमें सोनोग्राफी रिलेटेड मैं एक आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन देने वाली हूँ। थर्ड मंथ का सोनोग्राफी है जो आप सभी को पता है, जिसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं। एंटी स्कैन यानी आपका बेबी ये स्टेज में रहता है, तो ये बेबी के नेक का थिकनेस लेती हूँ मैं। आगे चल के ये बच्चे के ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम निकलने वाला है ना, तो ये नेक का थिकनेस बढ़ के आता है। तो आज की हमारी पेशेंट है, उसका एज है 28। शी इज़ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट। आज वो 12 वीक्स वन डे कम्प्लीट हुई है, तो उसका एंटी स्कैन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का सोनोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 मंथ्स प्रेगनेंट लेडी है जिसका मैं एंटी स्कैन स्टार्ट कर रही हूँ। एंटी स्कैन टेक्निकली हम लोग को डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि ये टाइम पे ना बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसका पोजीशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बच्चे ने हम लोग को कोऑपरेट नहीं किया, उसका पोजीशन नहीं मिला, तो इसमें टाइम लगता है। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 5-6 फाइंडिंग लेने वाले हैं, जो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाने वाली हूँ। अभी ये देखो, आपको बेबी दिख रहा है, इट्स लाइक इन सिटिंग पोजीशन। तो सबसे पहले मैं बच्चे का नेजल बोन दिखा रही है आपको। ये है आपको बेबी का फेस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और दिस इज़ ए नेजल बोन। ये हमारा एंटी का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग रहता है। सभी इमेजेस हम लोग सेव करते हैं, क्योंकि हम लोग को पेशेंट को देना रहता है। अभी हम लोग ये आपको कंप्लीट बेबी दिख रहे हैं। ये बच्चे का हाथ फिंगर्स दिख रहे हैं। अभी बेबी का हाइट ले रही मैं, इसको क्राउन रंप लेंथ बोलते हैं हम लोग, CRL। तो क्राउन मीन्स हेड, रंप यानी बटक्स। CRL 5.84 सेंटीमीटर, 12 वीक्स 2 डेज, EDD 4 अक्टूबर। मशीन को मैंने बच्चे का हाइट लेके दिया है, मशीन ऑटोमेटिक मुझे रीडिंग देता है। मशीन ने डिलीवरी डेट दिया है 4th ऑफ अक्टूबर, तो इट्स ऑलमोस्ट करस्पॉन्डिंग। पेशेंट का जो पीरियड के हिसाब से डेट निकल रहा है, उसके हिसाब से ही डेट है, मतलब बच्चे का ग्रोथ अच्छा है। एंटी 1.7 मिलीमीटर, ये बच्चे के नेक का थिकनेस लिया है। देखो, बेबी आइडियली हम लोग को सुपाइन यानी लेट के पोजीशन में होना है, बच्चा भी इधर स्टैंडिंग पोजिशन में आ रहा है अपने को, मतलब तो उसकी वजह से अपने को इतना अच्छा विजन नहीं मिल रहा है। ये बच्चे का स्पाइन दिख रहा है, देखो आपको ये टमी दिख रहा है। अभी नेक्स्ट फाइंडिंग आते हैं मदर के, जिसमें हम लोग ब्लड फ्लो चेक करते हैं। मदर के जो गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस के जो ब्लड वेसल रहते हैं, उनका ब्लड फ्लो देखते हैं हम लोग, ताकि बच्चे को ब्लड फ्लो कैसे जाएगा। ये राइट यूट्राइन आर्टरी है मदर की, उसका ब्लड फ्लो ले रही मैं। राइट यूट्राइन PI 0.73, ये मेडिकल टर्म्स है, कुछ आपको इतने समझ में नहीं आएंगे। PI इज़ अ पल्सेटिलिटी इंडेक्स। अगर वो PI ज़्यादा है, तो आगे चल के बच्चे को ब्लड कम जाना या मदर को हाइपरटेंशन होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकते, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग मेडिसिन प्लस माइनस करते। लेफ्ट यूट्राइन PI 2.05, ये अभी हम लोग सर्वाइकल लेंथ ले रहे हैं। सर्विक्स बोलते हैं हम लोग, यूट्रस का जो माउथ रहता है वो। सर्विक्स 3.6 सेंटीमीटर। अभी ये जो वाइट चंक आपको दिख रहा है, इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि नीचे है ये पेशेंट का। प्लेसेंटा पोस्टीरियर लो लाइन रीचिंग अप टू अस। ये बेबी का स्पाइन है, देखो। ये जो मैं ट्राई कर रही देखने के, बच्चे के हार्ट का ब्लड फ्लो देखते हैं हम लोग, जिसको डक्टस फ्लो बोलते हैं हम लोग। आगे चल के वो बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम निकलने वाला है, तो ये ब्लड फ्लो अलग आता है फिर। दिस इज बेबीज हार्ट रेट 159।
रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं एंटी स्कैन एनामली स्कैन से ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। ये देखो आपको अर्लीस्ट स्टेज में बेबी दिख रहा है, ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं हम लोग, वो भी ओके है। बच्चे का स्पाइन में ट्रेस कर रही स्टार्टिंग फ्रॉम नेक टू लोअर सैक्रम एरिया में, दोनों हाथ दिख रहे हैं, दोनों पैर दिख रहे हैं। तो हम लोग अर्लीस्ट 3 मंथ्स में ये बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, बेबी में कुछ ग्रॉस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आज का जो अपना एंटी स्कैन का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने 4-5 फाइंडिंग देखे, बच्चे का नेजल बोन देखा, नेक का थिकनेस कैसे लेते वो देखा हम लोगों ने, सर्वाइकल लेंथ देखी, प्लेसेंटा का पोजीशन देखा, बच्चे के दोनों हाथ दोनों पैर पूरा अक्खा स्पाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेड टू सैक्रम, वो सब चीज़ें ठीक से बनी है या नहीं वो देखी हम लोगों ने, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे के हार्ट का ब्लड फ्लो चेक किया और मदर के यूट्रस का भी ब्लड फ्लो चेक किया। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हम लोग एंटी स्कैन में कवर करते हैं। आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट में इतना समझ में नहीं आता है, आप जाके घर क्रॉस चेक करते, गूगल पे पढ़ते हैं, इमेजेस देखते हैं। होप्स हो कि आपको आज के लाइव डेमो में समझ में आया होगा। आपने हमारा व्लॉग एंजॉय किया, थैंक यू।